हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है हेपेटाइटिस। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लीवर के इन्फ्लामेशन को हम हेपेटाइटिस का नाम देते हैं। ये एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन है, लेकिन इसके और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कोई मेडिसिंस, ड्रग्स, टॉक्सिन्स या अल्कोहल। इसके जो मुख्य सिम्टम्स है वो है फैटिग, फ्लू लाइक सिम्टम्स, डार्क यूरिन, एब्डोमिनल पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट, वेट लॉस, येलो स्किन जिसे हम जॉन्डिस भी कहते हैं। यह मुख्य रूप से पांच प्रकार का होता है, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। इन सारे हेपेटाइटिस के वायरस जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। हेपेटाइटिस ए हेपेटाइटिस ए वायरस के द्वारा फैलता है और इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो इन्फेक्टेड फूड या वाटर के थ्रू होता है। हेपेटाइटिस बी वायरस द्वारा होता है और इसका ट्रांसमिशन बॉडी फ्लूड्स जैसे कि ब्लड, वेजाइनल सिक्रीशंस, सीमेन के द्वारा होता है। हेपेटाइटिस सी वायरस के द्वारा फैलता है और इसका जो ट्रांसमिशन है वो इन्फेक्टेड पर्सन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट से होता है। हेपेटाइटिस डी जिसे हम डेल्टा हेपेटाइटिस भी कहते हैं, यह हेपेटाइटिस डी वायरस के द्वारा कॉज किया जाता है और इसका ट्रांसमिशन भी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से होता है। लेकिन जो हेपेटाइटिस डी है ये बिना हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन के नहीं हो सकता। जो अंतिम टाइप है वो हेपेटाइटिस ई, जो एक वाटर बॉर्न डिजीज़ है जो हेपेटाइटिस ई वायरस के द्वारा होता है और यह कंटामिनेटेड पानी पीने से फैलता है। इसके जो मुख्य कॉम्प्लिकेशंस हैं वो है क्रोनिक लीवर डिजीज़, लीवर सिरोसिस, लीवर कैंसर, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, एसाइटिस, पोर्टल हाइपरटेंशन, किडनी फेलियर, हेपेटिक इंसेफेलोपैथी, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा और अंत में डेथ भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे इसके प्रिवेंशंस के बारे में। जो पहला प्रिवेंशन है वो है आपको हाइजीन मेंटेन करना है और जो दूसरा है वो किसी का नीडल, रेजर या टूथब्रश आपको यूज़ नहीं करना है और वैक्सीनेशन के थ्रू आप इससे बच सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके इन्वेस्टिगेशंस के बारे में। जो मुख्य इन्वेस्टिगेशन है वो LFT, अल्ट्रासाउंड या फिर लीवर बायोप्सी। अंत में हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन यहाँ लिखे जा रहे हैं। जो पहला है वो LIV-52HB टैबलेट्स, जो दूसरा है वो SBL का लीव टी टॉनिक, तीसरा एलोवेरा जूस है और चौथा गुडुची का जूस है, जिसका इस्तेमाल आप 3 से 6 महीने करेंगे और आपका जो है हेपेटाइटिस है वो हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।